गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब मिसलेनियस, ठीक है। किसका एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 मरीन वर्ड्स का हम लोग करने जा रहे हैं मिसलेनियस। पहला सवाल देखिएगा, देखो देखो भाई साहब क्या लिखा हुआ है। देखो देखो जी, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अरे बाबा देखते हैं ना हम, क्या है 13π/6 है ना। इसको अगर आप लिखते रुकिए एक मिनट के लिए, अगर आप गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस भाई साहब, किसका इनवर्स का चैप्टर 2 का। देखिएगा ध्यान से, चैप्टर 2 का कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, तो आंसर क्या हो जाएगा 13π/6। पता है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस हटेगा ये हो जाएगा ना, और जिस दिन हो जाएगा ना तो पक्का जानिए वैज्ञानिक ही बनिएगा आप। गलत सर, कैसे गलत बताओ सर बताओ। अरे भैया हमने सीखा था ना, इसका मान कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं होगा, भाग दीजिएगा तो 2 से ज़्यादा आएगा, तो गलत बात ना है। तो सर कैसे निकालेंगे, निकाल देते हैं भाई, हम लोग निकालना सीखते हैं। अभी देखिए देखिए, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड एंगल के रूप में और इतना आ भी जाए तो ऐसे लिख दे सर, फायदा क्या, 6 × 12π और 13π/6 हो जाएगा कॉस इनवर्स। हम एक फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, कॉस 2π + θ बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, क्या आ जाएगा 5/6, यही आंसर हो गया हम लोगों का। अगला सवाल देखते हैं भाई, आंसर क्या हो जाएगा भाई 7π/6। ना बाबा ना, गलत बात है, तो सही सॉल्यूशन क्या यहाँ सीखो भाई, बताता हूँ। अब देखिए भाई साहब, 7π/6 है ना, तो इसको तोड़िए स्टैंडर्ड एंगल के रूप में और छोटा करिए, तो π + π/6। अब देखिए 10π + θ क्या आ जाता है, बताते हैं आपको, 10π + θ होता है -10θ, सॉरी प्लस होता है, क्यों थर्ड में जाएगा तो प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस 10π/6, टेन इनवर्स से 10 खत्म, क्या आ गया π/6, आंसर हो गया भाई हम लोगों का, बात पकड़ में आ गया। चलिए तीसरा सवाल है, टू साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स प्रूव करना है, पीटी मतलब प्रूव दैट इतना बराबर इतना, करते हैं भाई।
हम लोग प्रूव करते हैं किससे भाई, एलएचएस से, इससे। आपको प्रूव करना है टैन के रूप में, तो इसको चेंज कीजिए टैन के रूप में। ये होता है पी, ये होता है एच, टैन में पी बाई बी यही ना होता है, यानी पी बाई बी। पी का मान क्या, तीन। अगर एक तीन है और अगर एच का मान पाँच है तो पक्का बी का मान क्या होगा, चार। अब देखिए ये टू टेन इनवर्स एक्स पे आ गया। फॉर्मूला बोलिए टेन में प्रूफ करना है ना, तो टेन में तो टेन इनवर्स टू एक्स, टू एक्स बट्टा, तो टू एक्स के जगह पे कौन है ये पूरा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस नौ बट्टा सोलह, चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा सोलह। थ्री बाई टू, दोनों का एलसीएम सोलह, सोलह माइनस नौ, सात बट्टा सोलह। आठ या चौबीस, चौबीस बाई सात हम लोग का आंसर हो गया। तीसरा हो गया भाई, चौथा सवाल के ऊपर आते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इतना बराबर टेन इनवर्स 77 बाई 36। हम बात करते हैं किससे भाई, एलएचएस से। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, फॉर्मूला होता है एक्स माने एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, लिख देते हैं फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए पहले कर देते हैं उसके बाद लिखेंगे। फिर तीन बट्टा पाँच एक माइनस नौ बट्टा पच्चीस, एक माइनस चौसठ बट्टा दो सौ नवासी। फॉर्मूला आपको याद होगा तभी बनेगा भाई। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, जोर वाई उसी पे सेट किया है भाई साहब। अब पूरा फॉर्मूला यूज होने वाला है भाई, जितना लिखा है था सब। तो 25 में से 9 घटा 16 बटा 25, 289 में से 64 घटेगा तो 225 बटा 289। आठ बटा आठ नहीं, चार बटा पाँच,
पंद्रह बटा सत्रह। आठ चुका बत्तीस बट्टा पचासी, पंद्रह तिया पैंतालीस बट्टा सत्रह पचे पचासी, दोनों का एलसीएम तो साइन इनवर्स बत्तीस पैंतालीस सतहत्तर बट्टा पचासी। अगर दोनों नीचे वाला सेम रहता है ना भाई तो ऊपर को सीधे सीधे जोड़ देते हैं और आंसर हो जाता है। बात पकड़ में आ गया भाई? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद तो है नहीं, अगला क्लास में फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई कि पूरा फॉर्मूला यूज होने वाला है। अगर नहीं याद होगा ठीक बात नहीं होगा, समझ जाइएगा भाई। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो आप जिसके साथ फोन से बात करते हैं उससे नकी बनवा देंगे भाई आपको हम, समझ जाइए। हाँ चलिए।